नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है रियलमी C11। दोस्तों, आपको इसमें पहले की तरह रियलमी फ़ोन में जो मिलता था कॉल रिकॉर्डिंग, उस तरह से ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो कॉल और जो मैसेज है वो गूगल के ऐप से जो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़्यादा ऑप्शन या ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते नहीं हैं। तो फिर भी आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड है ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको मैन्युअली करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई कॉल आता है तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग उसे एक्सेस कैसे करना है। अब कॉल आया है तो जैसे आपको आंसर करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के दौरान क्या होता है, सामने वाला जो बंदा होता है उसे पता चलता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ फोन स्पीकर पे रख के, तो अब मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो यही मैसेज जो है सामने वाले को भी जाता है, मतलब उसको पता चलता है कि जो कॉल है रिकॉर्ड हो रही है। और जब आप कॉल स्टॉप रिकॉर्डिंग भी करते हो तो ये भी पता चलता है कि कॉल उसने स्टॉप कर दी, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब ये मतलब आप अच्छी तरह से इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और सामने वाले को हमें पता नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप जब रिकॉर्ड करते हो कॉल तो सामने वाले बंदे को पता चलता है कि जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है और कितने समय के लिए रिकॉर्ड हो रही है वो भी पता चलता है। तो ऐसे में अगर आपको रिकॉर्ड देखना भी हुआ तो कैसे देखोगे, जैसे यहाँ पे आपने कॉल किया था, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो आप इसे प्ले कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मान लो आपने बहुत सारे जो कॉल है वो रिकॉर्ड किए होंगे, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में जाना है और हिस्ट्री में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब कभी भी आपने रिकॉर्डिंग की थी तो यहाँ पे ब्लू लिसन टू रिकॉर्डिंग, लिसन टू रिकॉर्डिंग मिल जाता है, तो आप उन रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मतलब परफेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमें अगर कॉल रिकॉर्ड करना हो तो सामने वाले बंदे को हम क्यों बताएंगे भाई तुम्हारा कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये फीचर, हालांकि कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हो लेकिन सीक्रेट नहीं रख सकते, मतलब आप बता रहे हो कि भाई मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख लेना, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो आपको अभी क्या करना है, आप एक जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो लिंक है मैंने दे दी है, आप उस लिंक पर जाके ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ओपन करने के बाद जो भी परमिशन है आपको उसे दे देना है, और परमिशन देने के बाद एक आखिरी परमिशन आपको देनी पड़ती है, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है, एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ता है, एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, और सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे नीचे में कॉल रिकॉर्डर, तो उसे आपको ऑन कर देना है, इनेबल करना है, ताकि ये जो ऐप है अब आपके सारे कॉल्स रिकॉर्ड करे। और इससे क्या होगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि जो सिस्टम ऐप है, जो फ़ोन ऐप है, उसमें जो रिकॉर्डिंग का फीचर है उससे पता चल जाता है कि भाई आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन अब इस ऐप से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इस ऐप में एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये क्या है, एंड्रॉयड 10 का एक फीचर है, क्योंकि गूगल ने क्या कर दिया है, जो एंड्रॉयड 10 में जो भी ऐप्स है, जो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स है, उन्होंने क्या कर दिया है कि ये जो ऐप्स है वो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं कॉल्स, लेकिन वो कॉल किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको वो कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई करने की परमिशन नहीं है। मतलब ये कॉल रिकॉर्ड करके दे देंगे आपको, लेकिन जो कॉल है किसका रिकॉर्ड हुआ है आपको ये यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जब कभी भी रिकॉर्ड करते हो तो जल्दी से यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको उसको एडिट करना है, यहाँ पे आपको सेट कॉन्टैक्ट कर देना है कि ये जो कॉल है आपने किसका रिकॉर्ड किया था, तो आपको सेट कॉन्टैक्ट करके उस कॉन्टैक्ट को सेट कर देना है और फिर आपको एस करना है। तो इस तरीके से जो आपको पता चलेगा अभी ये जो कॉल है सेवड में चला जाएगा और आपको यहाँ पे पता चला कि भाई ये कॉल अतुल का था, इस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड किया था। तो उस तरीके से अलग अलग जो कॉल होंगे रिकॉर्ड होंगे और आपको यहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देंगे, लेकिन उनका आपको यहाँ पे नाम नहीं दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट का नाम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखाई देगी और फिर आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप में आपको अच्छी तरीके से परफेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, क्योंकि गूगल ने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे हुए सारे ऐप्स पे। तो इस तरीके से फिर भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने रियलमी C11 फोन में। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को पता चले कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है इस बात से, तो आप जो फोन में
ऐप है, रिकॉर्डिंग का फीचर है, आप उसी फीचर का यूज़ कर सकते हो। आपको इस थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं बताना है सामने वाले को कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉल उसके, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है कॉल रिकॉर्डिंग का, उसे डाउनलोड करना ही पड़ेगा अपने इस रियलमी C11 फ़ोन में। तो यह था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।